हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, सुलेमानी की मौत से अमेरिका कमज़ोर क्यों हुआ। इसके संदर्भ में सबसे पहली बात यह है कि शक्तिशाली ईरानी मेजर जनरल की लक्षित यानी कि टारगेटेड हत्या अमेरिका के लिए अच्छे से ज़्यादा बुरा हो सकती है। आइए अब देखते हैं हत्या के बाद की घटनाओं की श्रृंखला यानी सीरीज ऑफ इवेंट्स आफ्टर असासिनेशन। इसमें सबसे पहला कि समान हत्या ने ईरानी देशभक्ति के गहरे तनाव को जगाया है, साथ ही इराक में तैनात हजारों अमेरिकी सैनिकों को निष्कासित करने के लिए मतदान किया और उन्हें अपने हवाई क्षेत्र या पानी तक पहुँचने से वंचित कर दिया। न केवल ईरान या इराक के लिए इस क्षेत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, बल्कि यह क्षेत्र में एक नए अमेरिकी युद्ध की शुरुआत भी है। इराक का प्रभाव पश्चिम एशिया में बढ़ेगा। उदाहरण, जनरल की हत्या के बाद सिया वर्चस्व रेंज में बहुत सुरक्षा थी। अमेरिका और उसके सहयोगी जैसे फ्रांस, जर्मनी और यूके ने यूएस के पक्ष में बयान नहीं दिया है। चीन और रूस संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर शांति करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करेंगे और साथ ही अमेरिका की आलोचना भी करेंगे। यह निश्चित रूप से अमेरिका द्वारा वीटो यूज किया जाएगा। अब आइए देखते हैं हताश और तर्कहीन नीति यानी कि डेस्परेट एंड इरेशनल पॉलिसी। अब तक अमेरिका इराक के खिलाफ अपने अवैध युद्ध से खुद को निकाल नहीं सका है। उस युद्ध ने इराक में ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लाभ पहुंचाया। इसने अमेरिकी सहयोगियों जैसे इजराइल और सऊदी अरब दोनों को भयभीत कर दिया, जिनमें से दोनों ने वाशिंगटन पर ईरान के खिलाफ अपने खतरे को बढ़ाने के लिए दबाव डाला। अमेरिका इराक और बाद में सीरिया में सबसे खराब प्रकार की हिंसा के उदय के लिए स्थितियाँ बना दी। इसने अपने सहयोगियों के रणनीति स्थिति को भी कमज़ोर कर दिया। साथ ही साथ अमेरिका द्वारा अपने अधिकार को हासिल करने के लिए कोई प्रयास काम नहीं आया। इसमें ईरान और इराक के खिलाफ अमेरिकी नीति हताश और तर्कहीन दिखाई देती है। अब देखें आगे क्या रास्ता निकल सकता है यानी कि वे अहेड। अमेरिका की लापरवाही ने इसे और पागल कर दिया है और इसके बढ़ते क्षेत्रीय सहयोगियों जैसे इजराइल और सऊदी अरब के बीच चिंताओं को गहरा कर दिया है। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।